और उनको रुपया भी दिया गया सारे प्रधानों को बी डी सी के मेंबरों को, लेकिन वो रुपया भी ले लेंगे वोट भी नहीं देंगे। मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं कहाँ से बांटूंगा। ये लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुई उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे। पैसा बांटने वाले यही दोनों मंत्री जो बगल में बैठे हुए हैं और बगल के जिलों में वहाँ बुला बुला के आपके ऊपर। आज मंगलवार को यूपी की राजनीति में घोसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सपा भाजपा की तीखी टक्कर में आज सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है, लेकिन मतदान के बीच सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा पर और उनके मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लगा डाले। सुधाकर सिंह पहले सुबह वोट डालने अपने बूथ पर पहुंचे और वोट डालने के बाद भाजपा पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि भाजपा के नेता लोगों को धमका रहे हैं, प्रधानों को पैसे बांटे जा रहे हैं और तो और प्रेशर बनाया जा रहा है। इस समय प्रशासन जो है फतेहपुर ताल दरिया कई बूथों पर दौलतपुर कई दौलतपुर के प्रधानों को भी उठाने गई है और इंदारा में भी दिक्कत है, बहुत जगह परेशानियाँ हैं, वोट डालने से रोक रहे हैं। यह सबसे बड़ी परेशानी। आपके पुत्र सुजीत सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में, इस पे क्या कहेंगे? आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में मुकदमा नहीं दर्ज है, उनको केवल फंसाया गया है, उनको हमारे घोसी के ब्लॉक प्रमुख को, इस नाते की वोट न मांग सके और जनता के बीच न जा सके। अच्छा, कुछ ग्राम प्रधानों को कोटेदारों को क्या उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है? उनको बाकायदे आजमगढ़ में बुलाया गया, उनको जो है घोसी थाने में बैठा करके इंस्पेक्टरों से वोट मांग रहे थे जी। गाड़ी पर उनको बैठाया गया और उनको रुपया भी दिया गया जी सारे प्रधानों को बी डी सी के मेंबरों को, लेकिन वो रुपया भी ले लेंगे वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, ये मंत्री जो गली गली गांव गांव घूम के गए, एक मतदाता को एक जल शक्ति मंत्री ने बुलाया और मतदाता कह रहा है कि नहीं मैं सपा को वोट दूंगा, ये लोग गांव गांव घूम के गए, कुछ प्रभाव पड़ता दिख रहा है आपको? जनता पर किसी मंत्री का कोई प्रभाव नहीं है, पूरी जनता इसमें हमारे साथ है। ये लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी की हो गई है या NDA वर्सेज INDIA गठबंधन की? घोसी बचाओ बाहरी भगाओ कर लड़ाई है। आप कह रहे हैं पैसा बंटवाया जा रहा है, कौन लोग हैं ये पैसा बांटने वाले? पैसा बांटने वाले यही दोनों मंत्री जो बगल में बैठे हुए हैं और बगल के जिलों में वहाँ बुला बुला के। आपके ऊपर भी आरोप लगाया बीजेपी ने, सुधाकर से उनके बेटे पैसा बांट रहे हैं। मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं कहाँ से बांटूंगा। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि बूथों पर खड़े पुलिस प्रशासन के लोग बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं, अंग्रेजी में लिखे नाम के आधार पर भगा दिया जा रहा है। अब बताइए, गांव का बुजुर्ग अंग्रेजी में लिखे नाम को क्या ही जाने, जो कंप्यूटर वाले ने लिखकर दे दिया वो उसने रख लिया। चुनाव आयोग में शिकायत किए हैं इस मसले पर? कोई बचा नहीं है जिसको शिकायत जिसके अंदर नहीं है। सुनवाई हो रही है तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुई उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे? अच्छा, ये विशेषकर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में अदरी कोपागंज पूरा घाट फतेहपुर ताल नरजा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान बस किया जा रहा है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी चाहे हमारे समर्थकों का वोट है हर जगह परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अब उनके पास वोट वोट है नहीं, केवल एक प्रशासन का ही चारा बचा है मतदान प्रभावित करने के लिए, मतदान कम करने के लिए। शासन प्रशासन वोट थोड़े मांगता है, ये लोग तो बाकायदे वोट मांगे हैं। अच्छा, क्या बाहरी नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बाहरी नेता अभी भी जिलों में हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जिलों में जिले के बाहर के बॉर्डरों पर बैठे हुए। फिलहाल के समीकरणों को देखें तो दोनों ही तरफ से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जहां सपा लगातार चुनाव को लेकर कई आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी कई गंभीर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाली 8 सितंबर को क्या कुछ रिजल्ट निकल कर घोसी का सामने आता है। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।